press the bell icon for all the updates. इतना पावन मौका है, इतना बढ़िया मौका है, एक बकरा हलाल हो गया है और एक और हमारे साथ हमारी श्रेणी में आ गया है, तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। तो वहाँ जाकर गले लग कर के हैं, उसको मुबारकबाद दी जाएगी। और अच्छा है, भाई है अपना, नजबलिए के दौर मर जो हैं दिल की बातें कुछ की थी वो बताने लायक तो है नहीं, लेकिन उसे समझा दिया था शादी के बाद क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। ऐसे कोई मेमोरी जो आप शेयर करना पसंद करें नजबलिए के सेट में? बहुत सारी थी यार, मतलब डांस रिहर्सल के टाइम पर जो है हम मुलाकात करते थे, बिल्कुल मतलब ऐसा मरोड़ दिया जाता था रिहर्सल कर शोएब भाई और मैं बाहर बैठ कर के सिर्फ बातें करते थे कि कब ख़त्म होगा। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्या कहें, उस समय कंपटीशन इतना ज़्यादा होता था कि ध्यान सिर्फ डांस पे होता था। He has no attitude and no such thing. जी जी, वहाँ बैठ करके हम लोग यही कहते थे कि ये लोग जो है टाउनीज हैं। हाँ, मतलब होता है ना कि ये इस इलाके को बिलोंग करते हैं, ये इस इलाके को, ये इतने इतने टाउनीज हैं कि सिर्फ चुप रहते हैं। हाँ, एटीट्यूड में एकदम चुप रहते हैं। बहुत स्वीट है यार। दीपिका भी काफ़ी चुप चुप हुआ रहती थी पहले, बट अभी काफ़ी चेंजेस आ गए उसमें, तो उसके लिए क्या करेगा? चेंजेस तो आएंगे नहीं, शादी के बाद में ही औरतों का बोलना शुरू होता है और मर्दों का चुप। नहीं मतलब मैं तुमको बड़ा पता है औरतों के बारे में। नहीं, मेरी तो बोलती बंद हो गई ना शादी के बाद, ये तो सिर्फ मीडिया के सामने बोलता हूँ। ओके, फाइनली स्वीट मैसेज बोलती हूँ आपसे। या बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, दीपिका और शोएब, ये बहुत खूबसूरत मोमेंट है इनके लिए। और ये सफ़र जो है यहाँ से जो अब चलेगा तो दिन दोगुनी और रात चौगुनी जो है वो तरक्की ही करेगा। और दो हैं और जल्दी ही उनको आशीर्वाद दिया जाएगा कि दो से वो चार हो जाएं। फर्स्टली सुनो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दी शोएब एंड दीपिका। आई थिंक दे आर अ ब्यूटीफुल कपल एंड आई हैव बीन सीइंग, आई नो दीपिका ऑफ कोर्स, आई डोंट नो शोएब, बट आई हैव बीन सीइंग ऑल देयर वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम एंड आई थिंक इट्स लाइक गॉड ब्लेस देम, दे आर सो ब्यूटीफुल, दे लुक लाइक दे आर रियली मैडली इन लव विद ईच अदर एंड दे लुक लाइक दे आर मेड फॉर ईच अदर। So just I just pray to God that God bless them. Yeah. Anyone memory you want to share with Deepika? Sorry? Deepika? One memory. Oh, memory. Yeah. So recently we were shooting for our upcoming film Paltan, JP Datta sir's film, and I remember that the first time I met Deepika, I met her there. And the first time we met, she said that she was shooting till the 10th, and she's like, I'm going back and. I'm getting married on the 18th or something, and we were all shocked. We're like, how are you here shooting? Don't you have to like do any preparations and all that? So I think that's what broke the ice, and it was amazing. She's just the most positive girl, a really nice girl, and I think that she's found a perfect match in Shoaib. Okay, if we talk about the Paltan, how was your experience working with the co-star? Oh, it was fantastic, fantastic experience. I've been a huge JP Datta sir's fan. Always, because you know we've grown up watching his films like Border and LOC and all of them, and it's very special to me because I particularly feel very very much for the soldiers who are on the borders, and they are protecting us, and we don't really value it. I mean, I'm sure we do, but we don't really think about it so much, how many hardships they go through and what all they sacrifice. So the moment I heard that there's a film like that, I just had to be a part of it. सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे शोएब और दीपिका, शादी के बंधन में बन चुके हैं, क्या विशेष देना चाहेंगे? दिल से दुआएं हैं कि हमेशा खुश रहें, और बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के अच्छे हैं, तो मैं यही दुआ करूंगा कि एक नया पड़ाव ज़िंदगी का आ रहा है, तो इस पड़ाव को भी बखूबी हंसते हंसते पार करें और खुश रहें, हमेशा 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 खुश रहें। कैसी बॉन्डिंग शेयर करते आए हैं आज तक शोएब आपके साथ? दीपिका के साथ, मतलब अभी जैसे हम लोग एंटरटेनमेंट की बात कर रहे थे, तो बहुत मज़ा आया काम करके। उससे पहले दीपिका को एज सेलिब्रिटी जानता था मैं, लेकिन जब साथ में काम किया तो वाकई वो बहुत अच्छी इंसान है, एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया हम लोगों का, और आगे की ज़िंदगी जो है उनकी बहुत अच्छी रहे, यही दुआएं दिल से। अच्छा, नाम भी चेंज हो चुका है, फैज़ा हो गया है, तो जी क्या कुछ करोगे? बड़ा अच्छा नाम है माशाल्लाह, फैज़ा बहुत अच्छा नाम है, तो आगे की ज़िंदगी भी चेंज होगी, अब एक शादीशुदा ज़िंदगी एक नए पड़ाव के साथ, बहुत मज़ा आएगा। क्या कहना चाहेंगे आज शोएब और दीपिका की?
भाई खुशी है, दो दिल मिल रहे हैं, काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, इनको मिलना था और ये मिल गया आज। अब यही है कि बेस्ट विशेस हैं इनको कि आगे की जो जिंदगी है बहुत खुशी खुशी निभाएं ये लोग। दीपिका और शेख के इसके मेमोरी जो आपको याद हो रहा जो शेयर करना। देखिए मैं इसको जानता हूँ जब ये ससुराल से मरका में आई थी छोटी सी लड़की, और मैंने इसके फादर का रोल किया था, तो मैं पहले दिन से उसको जानता हूँ। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, और बिल्कुल बेटियों जैसा व्यवहार रहा है मेरा उसके साथ। तो मैं आज इसीलिए आया हूँ कि इनको गुड विशेस दे दूँ अपने। फिर भी कहा जाए तो पिता काफी शांत हुआ करती थी सेट पर, आज काफी खुश नजर आ रही है, तो एक बदलाव होता है तो ये वक्त है, वक्त के साथ बहुत कुछ होता है और अलग अलग किस्म के व्यवहार होते हैं। ये पहले राइट है आप, ये बहुत चुप चुप रहती थी, अब दबंग हो गई, तो जैसे जैसे जिंदगी चलती है वैसे वैसे लोग जो हैं बदलते हैं, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। शादी अटेंड करके आ रही है? मैं शादी नहीं अटेंड करके आ रही हूँ, मैं कानपुर में नहीं थी, बट इन लोगों ने बहुत धमाल किया है, एंड मैंने इंस्टा देखा और फोन पे भी बात हुई थी फलक से, सो बहुत खुश हूँ। मैं आज रिसेप्शन अटेंड करने आई हूँ, ऐसा हो नहीं सकता था, मैंने कुछ ही टाइम तक सिमर ससुराल सिमर का किया था, एंड बहुत खुशी हो रही है, किसी का प्यार अंजाम तक फाइनली किसी का तो पहुंचा। ओके, ऐसी कुछ मेमोरीज जो अभी आपको एक याद रहे, दीपिका ने तैयार हुई है जब मैंने दीपिका की मेमोरीज, मैंने दीपिका को बहुत चुप देखा है, और मैं को याद है जब पहली बार शोएब के बारे में बात हुई थी तो मैं उसके मेकअप रूम में थी, तब उसने मुझे शोएब के बारे में बताया था, और मैंने उसे हमेशा चुप ही देखा है, पर आज जिस तरह से वो चहक रही है, आई मीन आई हैव गूज़बम्प्स व्हाइल सेइंग दिस, बिकॉज मैंने उसे हमेशा चुप चुप देखा है, और आज उसकी जो खुशी है, आई जस्ट विश ये हमेशा रहे, दैट्स इट। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द अटायर, यू आर वेयरिंग समथिंग डिफरेंट, सो टेल अस अबाउट इट। ओके फाइन, आई हैव बॉट द साड़ी फ्रॉम चेन्नई, और इस साड़ी को मैंने लहंगे में बनाया है, और कुछ थोड़ा बहुत कर पाई, दिस ज्वेलरी इज फ्रॉम अमृतसर, आई बॉट इट, सो ये किराए के कपड़े नहीं हैं, ये मेरे खुद के कपड़े हैं। सो ओके, थैंक यू सो मच। पहले ज्योत्सना क्या कहना चाहेंगे, आप बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड कर रहे हो और आज रिसेप्शन? या एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड वर्ड से ज़्यादा आई वुड प्रेफर कि मेरी बहन की शादी, और जीजू एक नया रिश्ता बनाया, तो बहुत खुश है हम दोनों, मतलब ये बात ही खुशी की है, मतलब वी आर सो एक्साइटेड राइट नाउ, एंड अपने घर में शादी तो इंसान कैसा फील करता है, तो हम बिल्कुल वैसा महसूस करते हैं घर की तैयारियाँ। आप क्या कहना चाहेंगी? सेम जो जो ने बोला है कि सिस्टर की शादी है, और वाकई तैयारियाँ पूरी ऐसी हुई है, बहुत भाग दौड़ हुई है, और बहुत मज़ा आया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि बहन की शादी है तो किस तरह से सारा काम करना है, तो वो सारी चीज़ें रही, और हाँ सारा काम करना, सॉरी वो सारे काम नहीं मैं ज़्यादा काम नहीं, ये हमारी सबसे छोटी बहन है तो चलता है, कोई बात नहीं, छोटी बहन है मस्ती करे वो ही अच्छा रहता है, कम से कम डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड स्ट्रेस से। बहुत मजा आया, बट एक्चुअली पहले मैं सोच रही थी कि यार जैसे मुझे ये लोग तो जानते हैं कि यार पता नहीं मैं कैसे रहूँगी, क्या होगा एंड ऑल, बहुत सारे मेरे अंदर सवाल थे, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मतलब इतना प्यार, मतलब दे वर लाइक सो, बहुत प्यार मिला, मतलब आते वक्त भी पूरा गांव मतलब हम देख सक रहे थे कि सब छोटे छोटे बच्चे, सब लोग रो रहे थे, बड़े बुजुर्ग, मतलब वो लोग हमें इतना प्यार दे रहे थे, मतलब आई थिंक मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए, सो इट वॉज़ लाइक बहुत, मतलब ऐसा सोचा नहीं था, मतलब मुझे होता ना दिमाग में यू थिंक कि लाइक पता नहीं कैसा होगा गाँव में एंड ऑल दैट, बट बहुत अच्छा था सब। आप दोनों ने क्या गिफ्ट दिया? नहीं गिफ्ट मुझे तो नहीं बताना मैंने क्या गिफ्ट किया। हाँ गिफ्ट को ही बताता है क्या क्या गिफ्ट दिया है सारे आम मैं ये नहीं बोल सकती मैंने अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया है। गिफ्ट टॉक अबाउट दी वन मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहेगी, एक कोई ऐसी मेमोरी? बहुत सारी है यार, नहीं ये पूरी शादी ही एक मेमोरी है, और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, सो ये शादी आई थिंक अब से कोई मुझसे पूछे मेमोरी तो येस थैंक यू फॉर दैट, कि मैं भी यही कहूँगी कि ये शादी ही सबसे अच्छी हमारे लिए मेमोरी होगी, जहाँ पे एक नया रिश्ता मुझे मिला है वो है जीजू, जीजू साली, यस। ओके थैंक।
थैंक यू।